ओके दोस्तों, अब ये बताना पड़ेगा कि इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को ये हो रहा था कि पैरेंट चेन है क्या। तो पैरेंट चेन उसे बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम वन टू वन अटैच हो, एक दूसरे से क्या हो, अटैच हो। जैसे इस तरीके के कंपाउंड में तो कार्बन को आसानी से हम लोग लिख देंगे, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ओके, बट जैसे ही हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उस केस में हम पैरेंट चेन को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, पैरेंट चेन उस चेन को बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन एटम है। तो पहला स्टूडेंट को क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव, गलत है, ये गलत है, ये जो नंबरिंग किया आपने गलत किया, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इससे ज्यादा कार्बन दूसरे में है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, दिस इज द पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन उस चेन को बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, ये आपका हो गया, क्या हो गया, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन मीन्स पीसी। ओके, अब दूसरा क्या है, नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, नजदीक। सपोज ए एग्जाम्पल है, यहां पे कार्बन एटम है, मान लो अल्काइल ग्रुप है कोई, एक का स्टूडेंट नंबरिंग कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमने बता रखा है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से, इधर से कितने नंबर पे आया अल्काइल ग्रुप, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। पैरेंट चेन का तो तुमने पहचान कर लिया, तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स जो है तुम्हारा वो कितने नंबर पे, फाइव नंबर पे। दूसरा स्टूडेंट जो नंबरिंग कर दिया इस तरीके से कर दिया, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर से नंबरिंग कितने नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे, कितने नंबर पे आ गया, दूसरा नंबर पे। तो ये आपका नंबरिंग सही है और ये आपका नंबरिंग क्या है, रॉन्ग है। क्लियर, उसी नंबरिंग जब हम करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप उसमें रहेगा, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सम रूल का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे अप्लाई, सम रूल। जैसे सम रूल क्या कहता है कि सारे पोजीशन जो है तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट, उसको क्या करो, ऐड कर लो, उसको क्या करना है, ऐड कर लेना। इस केस में अगर मैंने नंबरिंग किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसके पोजीशन को जोड़ लो तो तीन पे अल्काइल ग्रुप है प्लस चार पे अल्काइल ग्रुप है प्लस पांच पे 12 हो गया। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है तुम्हारा, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, पैरेंट से आउटसाइड में जो लगा रहता है, ठीक है ना। अब क्या है, कोई स्टूडेंट इधर से नंबरिंग किया, मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसको ऐड कर दो, इधर से कहां से होगा, इधर से टू पे है, थ्री पे है, प्लस फोर पे है, इधर से नाइन है। तो जिसका सम ऑफ जो पोजीशन है, सारे पोजीशंस को ऐड कर लेंगे सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को, जिसका लेसर वैल्यू होगा, लेसर द वैल्यू, लेसर द वैल्यू, जिसका वैल्यू कम होगा, तो हमारा नंबरिंग वही है, प्रेफर फॉर नंबरिंग, लेसर द वैल्यू ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रेफर फॉर नंबरिंग। ओके, अब सेकेंड चीज है, यदि इन सबों में से कहीं पे अगर फंक्शनल ग्रुप वैसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन एटम हो, ये क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस केस में आपके पास क्या है, ये यहां से नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार पांच। ओके, अदर एग्जाम्पल दे रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पे मैंने दे दिया सी डबल ओ एच, नंबरिंग किधर से करेंगे, अरे भाई हमेशा वैसे ही करना है क्या, वैसे नहीं सोचना है आपको, आपको ये नहीं सोचना है, आपको नंबरिंग यहीं से करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन आ रहा है तो शॉर्ट चेन हो जाएगा,
नंबरिंग तो कदापि करना ही नहीं है कि बर्न ये नहीं करना है कभी कि ऐसा नंबरिंग हमने कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 तो है लेकिन ये क्या है गलत है। ये क्या है तुम्हारा रॉन्ग है बाबू नंबरिंग। ये जो ब्लू पेन से मैंने किया है ना जो ब्लू पेन से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वही सही है। ओके ये नंबरिंग सही है। नाम जब इसका लिखते हैं आईपीएससी नेम तो सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग किसी भी ग्रुप का जब नाम लिखते हैं ना सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उसके बाद पेरेंट चेन को नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को मस्ट बी एडेड पोजीशन हम लोग ऐड करना होता है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा 2-propyl hexanoic acid हेक्सेनोइक एसिड। ओके